अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के नाज़रीन। आज हम बड़े नेक काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए सब ने वेट वेट पहना है। सूजी सामान देख रहे हैं और सारा हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे ओल्ड एज हाउस में और आपको ले जाते हैं उस तरफ। होपफुली मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से ओल्ड एज हाउस आ रहा हूँ। करो बारात इंतज़ार कर रही है। हमारी होगी इस टाइम एक्टिविटीज चल रही है, आपको अपने सारी एक्टिविटीज दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आई किसी ओल्ड एज से पास अभी आप हमारे खेलने का एक्टिविटी सही है, हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। अच्छा हाँ तो ऐसे ही है इंशाल्लाह। बोले बोले बस मिल जाएगा कैसे आना होगा। यहाँ पे सब सही ख्याल रखते हैं, मोहब्बत है, दोस्ती ठीक हो जाएगी फिर आप मिल जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें ये सब एक्टिविटीज़ के लिए बैठे हैं। अभी हम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स ऑफ पहरी यूनिवर्सिटी ने और जो है उनके ऑर्गेनाइजर्स ने ऑर्गेनाइज की थी और आपको दिखाते हैं उसकी कुछ हाइलाइट्स। हैवी गया yeah।
काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था तो थोड़ा सी आंखें नम हो गई, तो मैंने कहा अब ये इख्तिताम करता हूँ इस व्लॉग को, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और प्लीज़ यहाँ विज़िट किया करें यार। उन्होंने मेरे हाथ चूमे, मुझे इतना मतलब इमोशनल हो रहा हूँ बोलते हुए कि यार इतना ये लोग प्यार के भूखे हैं, इतना मुझे कोई कह रहा है किसी वजह से आए किसी वजह से नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मुझे सुनने में नहीं आया कि जिसको पैर बच्चों ने छोड़ा हो एंड ऑल दैट। बट ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर केयर बहुत की जा रही है, लोगों बुज़ुर्गों को हर एक चीज़ एक्टिविटी दी हुई, म्यूज़िक खाना पीना बहुत ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है, तो ये बहुत अच्छा मैम ने सेटअप किया है। और मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में होता हूँ, उनकी तरफ से यहाँ पर बेसिकली विज़िट था, मेरा बहुत दिल था ओल्ड एज घूमने का, वीडियोज़ में दिखाया है टीवी में देखा, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखूँ क्या होती है कैसी फीलिंग होती है। बस ये है कि इनकी टेक केयर बहुत अच्छी है, ये सामने मेरे पीछे देख सकते हैं हॉस्पिटल है इनका, यहाँ पे इनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है मेरे ख्याल से तब मुझे नज़र आया, और आपने भी शॉर्ट्स में देखा होगा। बस अल्लाह अपने घर में रखे सबको, हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।